देश का रक्षा करना चाहते हैं। मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं पायलट बनना चाहता हूँ। I want to become a doctor and help poor people of my country। हमको फैशन डिजाइनर बनना है और हमको फैशन डिजाइनर इसलिए बनना है क्योंकि हमको ये काम अच्छा लगता है। मैं जब मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। I want to become a teacher because I like to teach. After becoming a teacher, I want to remove illiteracy and poverty of our country. हम पढ़े नहीं लिखे नहीं तो कुछ भी बन सकते हैं। रोड में खड़े घूमते रहेंगे। पढ़ाई से ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपने आप को और अपने परिवार को बेहतर पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने जिस देश का हमें इतना कुछ दिया हम उसके लिए कुछ कर पाए। बड़े आदमी बनेंगे, अपना माता पिता का नाम रोशन करेंगे। करेंगे तो दुकान का और अलग अलग चीज सब काम करना पड़ेगा। मेरा नाम नीचल तिथि है। कुमारी झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है हमारा कॉलेज निफ्ट जो कि देश के सबसे प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। परंतु हमारे आसपास के कुछ बस्तियों में मूलभूत सुविधा नहीं उपलब्ध देखकर हमारा दिल भर आता है। लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह व्यर्थ है अगर हम अपने देश के लोगों की सहायता ना कर पाए। इसे देखकर हमारे सीनियर्स ने आज से 10 साल पूर्व साल 2007 में कर्तव्य की स्थापना हटिया में करी थी। हटिया की सफलता को देखते हुए टुपुदाना सेंटर की भी स्थापना की गई। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों के सर्वमुखी विकास पर भी ध्यान देते हैं। मेरी बेटी अर्चना 2014 से कर्तव्य में पढ़ाई के लिए जा रही है। पहले के अपेक्षा अभी उसमें बहुत सुधार है। मेरी बेटी हम पढ़ाती है कर्तव्य से। अब भैया लोग शिशु मंदिर में एडमिशन कराते। छोटी लड़की कर्तव्य जाती थी पढ़ने के लिए वहीं से उन लोग भैया लोग जे पी जलान में नाम लिखा दिए। विनोद नायक की पुराना निवासी मेरी बेटी अंजलि कुमारी जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती है वो कर्तव्य ग्रुप के तरफ से पढ़ती बच्चा है। दो लड़का है एगो लड़की है दोनों पढ़ता है शिशु विद्या मंदिर में। आए थी बाबू लोग कर्तव्य तरफ से पढ़ाता है लोग सब देता है लोग कॉपी किताब फीस भी ड्रेस भी सब देता है लोग। आए मेरी बच्ची 9th क्लास से कर्तव्य में पढ़ रही है। परीक्षा के समय बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों के ऊपर काफी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और मेरी बच्ची भी ध्यान दे रही है। अच्छे से उम्मीद है कि वो बोर्ड अच्छे नंबर से पास करेगी। आज संडे है फिर भी उसको कर्तव्य में टेस्ट लिया जा रहा है। शिक्षा मिलेगा तो अच्छा मेरा बच्चा पढ़ाई फीस उहे भैया लोग जमा कराता लो एडमिशन फीस उहे लोग देता लो सब उहे कराता लो। मेरा लड़की लोग सरकारी स्कूल में जाती थी। अपना बच्ची को पढ़ाने में असमर्थ थे लेकिन जब से कर्तव्य ग्रुप एरिया में चालू हुआ हम लोग का बाल बच्चा को कर्तव्य ग्रुप पढ़ा रहा है। हर संडे को लोग लेते रहते हैं
पेरेंट्स मीटिंग में भी कराते हैं। जब से जा रही है तब से उसमें जब कुछ है परिवर्तन है, अच्छा कर रही है, पढ़ाई भी ठीक से कर रही है, फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। ग्रुप को हम सत सत नमन करते हैं इसके लिए कि हम लोग का बाल बच्चा सब अच्छा पढ़ लिख रहा है और ये लोग आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी बाल बच्चा को सब